उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें। वास्तव में भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जो किसी भी संकट में अपने देशवासियों के लिए सीना तान कर खड़ी रहती है। जब भी विदेशी आक्रमण होता है या फिर देश में कोई आपदा आती है तो सबसे पहले भारतीय सेना के सैनिक ही देशवासियों को बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई देते हैं। देश के लाखों नौजवानों में सेना में शामिल होने का सपना होता है। गांव देहात में 12वीं और 10वीं की परीक्षा पास करने वाले युवा सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें सेना की वर्दी हासिल करनी होती है, क्योंकि वे खुद को बॉर्डर पर खड़ा करना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस के चलते ये नौजवान काफी निराश थे, क्योंकि एक तरफ देश में आर्थिक संकट था और दूसरी तरफ सेना में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं हो रही थी। इन निराश युवाओं ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही सेना में भर्ती होगी और नौजवान सैनिक सेना में दिखाई देंगे। इस भर्ती के लिए सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि अब सेना में शॉर्ट टर्म भर्ती की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में आज सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और FDI कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा, और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आइए जानते हैं क्या है सेना के नए प्लान की खासियत। सेना में भर्ती मात्र 4 साल के लिए होगी। 4 साल वाले सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। समीक्षा के बाद 25% सैनिकों की सेवा आगे बढ़ाई जाएगी। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक चलेगी। 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकेंगे। 17 साल से 21 साल के युवाओं को इस स्कीम में आवेदन करने का मौका मिलेगा। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब सेना में सैनिकों की भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से नहीं बल्कि देशवासी के तौर पर होगी। केंद्र सरकार की ओर से अब लाखों युवाओं के सपने को पूरा करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि देश में कब तक ये भर्तियां शुरू होंगी और कब देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट और उनके बदन पर सेना की वर्दी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।